अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन बासित मेडिसिन केयर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अल्डेक्टोन टैबलेट्स के बारे में, जिसमें हमें एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलता है जिसे स्पिरोनोलैक्टोन कहते हैं। आज मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल किस बीमारी में कर सकते हैं, इसके मज़र असरात क्या हैं और ये किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप बेहतर समझ सकें। दोस्तों, ये टैबलेट्स एक कसीर मकसदी टैबलेट्स हैं जो अक्सर हाई ब्लड प्रेशर, दिल की नाकामी के मरीजों में वर्म में कमी लाती हैं। जिगर की सरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी ये काम करता है। ये मार्केट में एक इंतहाई काबिल एतमाद पोटाशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक टैबलेट्स हैं। इसका इस्तेमाल एक पोटाशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक टैबलेट है जो आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा नमक जज़ब करने से रोकता है। ये आपके पोटाशियम की सतह को बहुत कम होने से बचाता है। अल्डेक्टोन एक ऐसी हालत की तशखीस या इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन होता है। आम एल्डोस्टेरोन आपके जिस्म में नमक और पानी के तवाज़ुन को मुनज़म करने में मदद के लिए आपके एद्वर के हदूद से तैयार करदा एक हार्मोन है। अल्डेक्टोन भी लोगों में माया बरकरार रखने, वर्म में कमी लाने का इलाज करता है जिनमें दिल की नाकामी, जिगर की सरोसिस या गुर्दे की ख़राबी होती है। ये मेडिसिन हाइपोकलीमिया, खून में कम पोटाशियम की सतह के इलाज या रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स की दोस्तों अगर बात करें तो इसके इस्तेमाल करने के बाद हमें जो मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसमें उल्टी, असहाल, पेट में दर्द या दर्द का होना, खुश्क मुंह, प्यास, चक्कर आना, बेचैन होना और सर दर्द इसमें शामिल है। मर्दों में बढ़ा हुआ छाती के टिशू और ख्वातीन में छाती का दर्द, हैज की बेकायदगी और बाद अज मर्दान इंदहा में नहाने से खून बह रहा है यानी उज़ तनासुल से, अल्कोहल पीने से अल्डेक्टोन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं, नमक के मुतबादल या कम सोडियम दूध की मसनूआत का इस्तेमाल ना करें जिसमें पोटाशियम हो। जब आप आम अल्डेक्टोन ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स आपके पोटाशियम की सतह को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नमक की ज़्यादा खुराक से परहेज करें। बहुत ज़्यादा नमक आपके जिस्म को पानी बरकरार रखने का सबब बनेगा और इस दवा को कम मौसर बना सकता है। ये मेडिसिन आपकी सोच और रद्द अमल को ख़राब कर सकता है, लिहाजा कोई भी काम करते हुए या गाड़ी चलाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप मोहतात रहें तो अगर आपको चौकस रहने की ज़रूरत होती है। वर्जिश के दौरान और गर्म मौसम में ज़्यादा गर्म या पानी की कमी से बचें। अपने डॉक्टर के हिदायत पर अमल करें। अगर आप किसी तरह की मायात पीना चाहते हैं यानी कोई ड्रिंक्स पीना चाहते हैं तो कुछ मामलों में ड्रिंक्स पीना इतना ही गैर महफूज है जितना काफ़ी नहीं पीते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।